इस तरीके से इनको सिलेक्ट करके मैं ग्रुप बना दूंगा, ठीक है जी। ये बन गया ग्रुप। अब मैं इनकी पोजीशन सेट करूंगा, देखें बिल्कुल इनके जो है वो सेंटर में इस तरीके से, ऐसे जो है वो मैंने इनको बना दिया। अब ये जो है इसको मैं यहाँ पे सेंटर में लाऊंगा, ठीक है। अब देखें बहुत ही बारीक बिनी का काम है, थोड़ा सा जो है वो समझने की बात है। यहाँ से हम इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाने के बाद शेप और ये लाइन टूल मैं ले लूँगा यहाँ से, और यहाँ इसके जो है वो बल्कि यहाँ से पकड़ के मैं लाऊँगा यहाँ तक, ठीक है जी। कोशिश करें शिफ्ट प्रेस करें ताकि ये आगे पीछे ना हो, और इस लाइन को मैं यहाँ से कर दूँगा सेंड टू बैक। क्या कर दूँगा? सेंड टू बैक, कलर चेंज कर दूँगा। थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा देता हूँ ताकि आपको नज़र आए, ठीक है जी। इस तरीके से इसकी थिकनेस मैं थोड़ी सी जो है वो बढ़ा देता हूँ ताकि आपको ये नज़र आए। अगर आप यहाँ से करना चाहते हैं या यहाँ से जो है वो जाकर इसकी थिकनेस आप मोटी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ और करनी है, इंसर्ट में जाके शेप्स, शेप्स में आपको एक टूल नज़र आएगा कर्व टूल। ये देखें कर्व टूल मैंने लिया और यहाँ पे इसे मैंने जो है वो ड्रॉ किया इस तरीके से, ठीक है जी। ड्रॉ करने के बाद मैं इसकी शेप थोड़ी सी इतनी ही ले आता हूँ जितनी मैंने की थी। कलर मैं इसका चेंज कर दूँगा, ब्लैक कर दूँगा, ठीक है। ब्लैक करने के बाद मैं इसको रखूँगा यहाँ पर, ठीक है। इसी का मैं एक बना लूँगा डुप्लीकेट और यहाँ से मैं इसको रोटेट कर दूँगा, देखें फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दूँगा, और यहाँ से लाकर मैं इसको ऐसे जो है वो रख दूँगा, ठीक है। और इसको कर दूँगा सेंड टू बैक, ठीक है। अब देखें ये आपको ऐसे लग रहा है जैसे ये एक कड़ी जो है वो बन गई है वो बारे की। मज़ीद अगर आप इसको सेट करना चाहें तो कर सकते हैं, मिला सकते हैं इसको, ठीक है। और दो लाइंस मैं और बना दूंगा, ये चले काफ़ी है, इतना ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है जी। ये आपका जो है वो एक बन गया। अब यहाँ से कंट्रोल पकड़ के मैंने इसको कॉपी किया, सॉरी और इसको मैं ऊपर ले जाकर सेट कर दूँगा, ठीक है जी। और ये जो एरिया है मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ दोनों को, कंट्रोल डी कर दूँगा, और इनको भी उठाकर मैं सेम ऐसे सेट कर दूंगा, ठीक है जी। और इसको जाकर सेंड टू बैक कर दूंगा, इसको भी सेंड टू बैक कर दूंगा। इसी तरीके से फिर मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, कंट्रोल पकड़ा और यहाँ पर लाकर मैंने इसको रख दिया। साइज़ मैंने बढ़ा दी शिफ्ट पकड़ के, बिल्कुल इसकी बाउंड्री तक लाया। इसको मैंने डुप्लीकेट बनाया, ठीक है, और सेम यहाँ पर वैसे ही रख दिया। इस पर एक पर क्लिक किया, उसको सेंड टू बैक कर दिया, और दूसरे पर भी यहाँ पर क्लिक करके सेंड टू बैक कर दिया, ठीक है जी। उसके बाद चौथा हमारा बलून है,
इस पर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ इसको ले आऊँगा बिल्कुल सेंटर में और ऐसे जो है मैं इसको ऊपर रख दूँगा। इसको सिलेक्ट करूँगा कंट्रोल डी और यहाँ पे रख दूँगा। एक को क्लिक करूँगा अरेंज सेंड टू बैक, इसको भी सेंड टू बैक कर देंगे हम, ठीक है। अब दोबारा यही प्रोसेस, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट पे हमने वही मेहनत करनी होती है और उसी तरीके से करनी होती है ताकि ये चीज़ें जो है वो आपकी मैनेज हो जाएं। ये देखें ये 5 गुब्बारे आपके बनके सामने आ गए, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनका बनाएंगे ग्रुप। क्या बनाएंगे? ग्रुप बनाएंगे इस तरीके से। ये देखें इनको मैंने सेलेक्ट किया कंट्रोल जी, ये एक ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है जी। कंट्रोल जी ये दूसरा ऑब्जेक्ट बन गया, कंट्रोल जी एक मिनट ये नहीं हुआ सिलेक्ट, कंट्रोल जी, कंट्रोल जी, कंट्रोल जी, ठीक है जी। ये ग्रुप बन गए। अब हमने इसमें क्या करना है, अब हमने करना है इसमें टेक्स्ट एडिट। क्या करना है? टेक्स्ट एडिट करना है। मैं मज़ीद इसको जो है वो बड़ा कर दूंगा, देखें, और इंसर्ट में जाऊंगा। इंसर्ट में जाने के बाद टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स में जैसे हम बना देते हैं जी, सॉरी टेक्स्ट बॉक्स आप कोशिश करें बाहर ड्रा करें, अगर अंदर ड्रा करेंगे तो इमेज के अंदर आ जाएगा। मिसाल के तौर पर हम लिख देते हैं जी कंप्यूटर, इसको मैं थोड़ा सा जो है वो बड़ा कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। और इसका जो कलर है वो कलर मैं ये रखता हूँ, ठीक है। मैं इसमें शॉर्ट जो है वो रख रहा हूँ ताकि आप लोगों को इतना टाइम ना लगे। उसके बाद ये कंप्यूटर रखने के बाद मैं एक, चलें ठीक है, मैं इस पे आ जाता हूँ, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है जी। कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे मैं आ गया और यहाँ पे मैंने कर दिया जी हार्डवेयर, ठीक है। और इसका मैंने जो है वो कलर यहाँ से कर दिया पिंक, पर्पल सॉरी, इसको मैंने कॉपी किया यहाँ पे लाया जस्ट सॉफ्टवेयर, ठीक है। और इसको भी मैं बीच में लाऊंगा, सेंटर पे रखूंगा। सेंटर पर रखने के बाद कलर डार्क कलर कर दूंगा, फिर इसी की कॉपी बनाऊंगा कंट्रोल और यहाँ पे रखूंगा, इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। अगर ये बड़ा हो जाता है तो आप इसको यूं भी रख सकते हैं यहाँ से इसको सेंटर करके, या फिर इसको यहाँ से आप थोड़ा सा छोटा कर दें। चलें ठीक है, ऐसे भी ठीक है। इसका कलर हम चेंज कर देंगे यहाँ से, ये ज़्यादा डार्क लग रहा है।
सॉफ्टवेयर का कलर भी ज़्यादा डाल दिया था। चलें कलर्स की मैचिंग हम बाद में कराएंगे, नहीं तो ये ज़्यादा वो झंझट हो जाएगा। डार्क ही कर लेते हैं हम इसको। आउटपुट डिवाइसेस, आ रहे चीज़ें समझ में आ रही हैं? ठीक है, अब सही है। ठीक है जी, ये आपके ऑब्जेक्ट बन गए। अब आपने क्या करना है, इंसर्ट करना है इसके अंदर। क्या इंसर्ट करना है? आइकॉन्स इसके अंदर बनाए हुए थे मैंने, आपको दिखाया होगा शायद, वो आइकॉन्स हम इसके अंदर डाल देते हैं और उनका कलर भी हम सेम जो है वो चेंज करेंगे। मैं चार जो है वो आइकॉन्स यहाँ से ले लेता हूँ। ये क्लास है, ये आपका जो है वो, सॉरी पांच हैं ये, और एक दो तीन चार पांच, बल्कि नहीं, एक दो तीन चार पांच, ठीक है जी। इनको मैं इंसर्ट कर दूंगा डायरेक्ट, जैसे इंसर्ट करूंगा ये यहाँ पर आ जाएंगे। अब जो सी चीज़ मैंने यहाँ पे रखनी है मैं इसको उठाऊंगा और यहाँ से जो है वो छोटा करके इसको यहाँ पर रख दूंगा और यहाँ से मैं इसका कलर जो है वो मैच करा लूँगा इसके साथ, कोशिश करूँगा। ठीक है, अगर इससे नहीं हुआ तो इससे करा दूँगा, लेकिन मैंने कलर इसके टेक्स्ट के साथ ही मैच कराना है इसका। ठीक है, इसको मैंने उठाया, छोटा किया और यहाँ पे रख दिया और यहाँ से कलर, यहाँ से अगर कलर नहीं आ रहा खैर, हम हल्का फुल्का अगर कोई मैच करता है तो हम उसको भी रख लेंगे इसमें। ठीक है, ये हम रख लेते हैं, चलें ये नहीं रखते, कोशिश करें कलर्स की मैचिंग करें। उसके बाद हम एक और आइकॉन ले लेते हैं यहाँ से, इसको हम छोटा करेंगे, छोटा करने के बाद हमने यहाँ पे रखा कलर, ये हम रख देंगे। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे हमने रखा, छोटा किया इसे, कलर ये हम रख देंगे। ठीक है, और इसको हमने छोटा करके यहाँ पर रख दिया, कलर हम ये रख लेंगे। ठीक है जी, ये आपके बलून्स जो है वो बन के आ गए। अब हमने इसके ऊपर देनी है एनिमेशन। क्या देनी है? एनिमेशन देनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इनको दोबारा ग्रुप बनाऊंगा एक बार, क्योंकि हमने जो टेक्स्ट इसके अंदर डाला है वो इसके अंदर ग्रुप में नहीं है, तो हम इसको ग्रुप बना देंगे ताकि हमें एनिमेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये आपकी आज की प्रेजेंटेशन की तकरीबन लास्ट स्लाइड है, बाकी जो फॉलो की स्लाइड है उसमें कोई इतना इशू नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्ट हैं और वो जूम करके
जो है वो बाहर आ रहे हैं उसमें इतना मसला नहीं है, वो आप लोग ख़ुद भी बना लोगे। फ़िलहाल हम इसको जो है वो एनिमेशन देंगे, ठीक है। अब इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, एनिमेशन में जाऊँगा, यहाँ से मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। एनिमेशन पेन में ओपन कर लूँगा, फ्लाई इन की हम इसको जो है वो एनिमेशन देंगे, और यहाँ से डायरेक्शन रखेंगे फ्रॉम लेफ्ट। क्या रखेंगे? फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। फ्रॉम लेफ्ट रखने के बाद हम इसको थोड़ा सा स्लो करेंगे यहाँ से, ताकि ये ड्यूरेशन ज़्यादा ले, ठीक है। और इसकी सेटिंग में जाके आज मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, बाउंस एंड। क्या है बाउंस एंड? को हम यहाँ पर रख देंगे तकरीबन 1 सेकेंड या 0.9। ओके कर देंगे हम इसको। अब देखें एनिमेशन कैसे आएगी। ये फास्ट आ रहा है काफ़ी, इसको हम स्लो कर देते हैं, ठीक है। ठीक है जी, अब देखें कैसे आ रही है एनिमेशन। इसी तरीके से हम जो है वो इसको भी सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम फ्लाई इन की जो है वो एनिमेशन दे देंगे, इसको भी फ्रॉम लेफ्ट कर देंगे। लेफ्ट करने के बाद हम इसकी भी सेटिंग यही कर देंगे, और यहाँ से इसको हम कर देंगे आफ्टर प्रीवियस, और सेटिंग में जाकर इसके बाउंस के रेट को हम 1 सेकेंड कर देते हैं। बहुत तेज़ है, बहुत ज़्यादा है, हम कम कर देते हैं। ठीक है जी, अब इसी की एनिमेशन को एनिमेशन पेंटर में जाकर, और मैं इस पर सेलेक्ट कर दूंगा, इसी की एनिमेशन को जाकर मैं इस पर सेलेक्ट कर दूंगा, और इसकी मैं डायरेक्शन कर दूंगा फ्रॉम राइट, ठीक है। और इसकी एनिमेशन को जाकर मैं इस पर जो है वो सेलेक्ट कर दूंगा, ठीक है। इस तरीके से ये आपकी बन जाएगी स्लाइड।